तो दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद, आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के डेट में अगर आप वीवो Z1 X के यूजर हैं तो आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले वीवो ने वीवो Z1 X में एक अपडेट जारी किया था जिसका वर्जन था 6.17.3। हालांकि दोस्तों इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया था क्योंकि इस अपडेट में बहुत सारे बग्स देखने को मिले थे जिसके वजह से वीवो Z1 X के कुछ यूजर्स को ही अपडेट मिल पाया था, बाकी यूजर्स को ये अपडेट नहीं मिला था। तो दोस्तों आज के डेट में वीवो ने एक और अपडेट वीवो Z1 X में जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है, क्या कुछ बग्स इस अपडेट में फिक्स किया गया है। हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी साइज थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर आपको पिछला अपडेट 6.17.13 का अपडेट मिल गया होगा तो यह साइज थोड़ी सी छोटी होगी आपके लिए। अगर पिछला अपडेट आपको नहीं मिला है तो थोड़ी इसकी साइज आपके लिए बड़ी होगी। हाँ दोस्तों आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि वीवो Z1 X में एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब तक मिलेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब तक बहुत ज्यादा चांस है कि वीवो Z1 X में एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीवो Z1 X में क्या नया अपडेट आया हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर पिछला अपडेट यानी 6.17.13 का अपडेट आपको मिल गया होगा तो आपके लिए जो नया अपडेट आया उसकी वर्जन की बात करें तो 6.17.14 होगा और इसकी साइज यहां पे आपके लिए छोटी होगी। आप देख सकते हैं 137 MB के आसपास की साइज होगी। और क्या कुछ इस अपडेट में दिया गया है तो केवल आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि बहुत ज्यादा चांस होगा कि फरवरी मंथ का होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है वो क्या है आपके फोन में। तो जो पिछला अपडेट यानी 6.17.13 का अपडेट आपको नहीं मिला होगा तो आपका जो ओल्ड वर्जन होगा वो 6.17.10 होगा। और दोस्तों जो अपडेट आया होगा उसके वर्जन की बात करें तो आप देख सकते हैं 6.17.14 होगा। और साइज की बात करें दोस्तों यहाँ पे 186 MB के आसपास की साइज होगी। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया कि सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, मगर बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया होगा जो कि फरवरी का होगा। और सिस्टम की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज कंपेबिलिटी विद थर्ड पार्टी एप, यानी कि थर्ड पार्टी एप्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे थर्ड पार्टी एप्स, उसको एक तरह से कहा जाए तो ऑप्टिमाइज किया गया है। और दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड इनहांस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो Z1 X में जो भी बग्स या प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी उसको फिक्स किया गया और साथ में सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि Z1 X में एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब तक आएगा। तो अकॉर्डिंग टू रोड मैप के अनुसार कहा जाए तो दोस्तों इस महीने के लास्ट में आपको Z1 X में एंड्रॉइड 11 का जो बीटा टेस्टिंग है वो शुरू हो जाना चाहिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।